हेलो फ्रेंड्स, मैं अजित आप सभी का स्वागत करता हूँ एएम गार्डनिंग में। आज मैं अपने गार्डन का ओवरव्यू आप सबको दिखाऊंगा। अभी आज तो थोड़ा धूप निकल रही है, लेकिन 2-3 दिन पहले और बहुत ज़्यादा कोहरा था, और उससे पहले बारिश हो रही थी यहाँ पे। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको मेरे जो गार्डन के प्लांट्स हैं वो किस तरह से अभी ब्लूमिंग में हैं और क्या क्या नुकसान हुआ है मेरे प्लांट को। तो अभी आइए देखते हैं मेरे गार्डन का पूरा ओवरव्यू। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं पेटूनिया से। पेटूनिया देख रहे हैं आप किस तरह से ये ग्रो कर रहा है और किस तरह से इसमें ब्लूमिंग हो रही है। इसमें मैंने कुछ नहीं, सिर्फ गोबर गोबर की खाद का यूज किया है, और आप भी इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। इनको थोड़ा सा पानी का ध्यान रखने से ये बहुत अच्छी तरह से चलते हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इसके बहुत सारे वेराइटीज आते हैं, ये तो नॉर्मल वाला है, और ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये स्टार वाला है, और बहुत सारे कलर में आते हैं। उस तरफ भी देखिए ब्लू कलर का है। तो ये सारे जो हैं पेटूनिया हैं, और इसमें जो सूखे हुए फूल होते हैं ना फ्रेंड्स, इनको हटाते रहना चाहिए, क्योंकि ये अप्रैल तक भी फ्लावरिंग करते रहते हैं। इनकी सूखे फूल को हम अगर हटाते रहेंगे तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी और ये बहुत दिनों तक चलेगा। लीली, मेरे पाँव की इंजरी की वजह से मैं इनको रिपोर्ट नहीं कर पाया था, और कुछ ही दिनों में इनमें कलियाँ बन गई थी। तो अभी भी ये पॉली बैग में है, और देखिए किस तरह से ब्लूमिंग में है। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए अभी भी छोटे छोटे पॉली बैग में है, और इनमें बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग चल रही है। इसे एशियाटिक लिली भी कहा जाता है। इसके देखिए पैटर्न तीनों के तीनों अलग कलर के आए हैं। ये डीप पिंक है, ये वाइटिश पिंक है देखिए, और ये पूरा येलो का येलो। बेहद खूबसूरत लगता है जब ये गुच्छे में फ्लावरिंग करते हैं, और एक अभी खिला नहीं है, बर्ड्स बने हुए हैं। ग्लोक्सिनिया एक बहुत बढ़िया प्लांट होता है विंटर सीजन का। ये बिल्कुल जो है लाइट एरिया में ग्रो होता है, बिल्कुल आप इसको इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं। ये एक लौता फ्लावरिंग प्लांट है जिसको आप इंडोर रख के ग्रो कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे कलर आते हैं। मेरे पास दो कलर के अभी हैं और ये ख़राब हो गया है। ये लॉन्ग लास्टिंग वाला फ्लावर होता है, 7 से 8 दिन तक इसकी फ्लावर जो है चलता रहता है। इसमें सिर्फ पानी का ख्याल रखने से ही बहुत अच्छा ग्रो करता है। पानी ज़्यादा मत दीजिए और ज़्यादा धूप में मत रखिए। प्लांट्स की बात हो रही है तो हम इस प्लांट को हम कैसे भूल सकते हैं, ये है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा प्लांट को पूरा इंडोर नहीं रखा जा सकता, पूरा इंडोर नहीं, इसको ब्राइट एरिया में रखिए, ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा। और देखिए आपको मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें फ्लावर बड बन चुका है। इसको हम अगर नहीं फेंकेंगे, इसको कट नहीं करेंगे तो ये प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो थम जाएगा, अच्छी तरह से ग्रो नहीं होगा। और आप हमेशा इसको एक छोटे वाले पॉट में ग्रो कीजिए। देखिए इससे किस तरह से इसमें डबल नया वाला प्लांट ग्रो हो चुका है। एग्लोनिमा को हमेशा आप छोटे वाले पॉट में लगाएंगे तो इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और ये बहुत दिनों तक चलेगा। और ये मेरे सारे के सारे एडनियम जो कि अभी डोरमेंसी झेल रहे हैं, और कुछ दिनों में ये इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। ये देखिए दोनों तरफ मेरे एडेनियम के प्लांट्स लगे हुए हैं, और ये तो एक ख़राब हो गया था जिसको मैंने ट्रीटमेंट किया था, लेकिन पता नहीं ये शायद चलेगा भी या नहीं। और इस तरफ भी कुछ प्लांट्स हैं, कुछ नए लगाए हुए हैं, कुछ पुराने हैं। अभी इनका ब्लूमिंग आएगा 15 दिन बाद, और इसमें हम जो भी खाद वगैरह का यूज करेंगे 15 दिनों के बाद करेंगे। और ये देखिए ये मेरे सारे के सारे डांथस छोटे छोटे पॉली बैग में लगे हुए हैं। मैंने इनको पॉली बैग में लगाया क्योंकि मेरे पास पॉट्स नहीं थे। और ये देखिए इनमें किस तरह से ब्लूमिंग हो रही है, ये देखिए छोटे छोटे पॉली बैग में लगाया है और बहुत अच्छा ब्लूमिंग इन पे चल रही है। और इस तरफ है मेरे कुछ डॉग फ्लावर के प्लांट्स जिनको मैंने सीड से ग्रो किया। ये देखिए इनमें फ्लावरिंग किस तरह से चल रही है। और ये स्ट्रॉबेरी, 4 स्ट्रॉबेरी के प्लांट हैं। और ये सारे आप जो देख रहे हैं ये पेंजी और गजानिया हैं। एक पेंजी मेरा ख़राब हो गया है, कीड़े ने काट दिया था इसको, ये और ये ख़राब हो गया, ये देखिए। और बाकी सभी पे अच्छी तरह से ब्लूमिंग हो रही है। और रही बात अभी क्रिसेंथेमम की, तो सारे के सारे क्रिसेंथेमम को मैंने प्रूनिंग कर दिया है ताकि दोबारा फ्लावरिंग इनसे ले सकूँ। और अभी इस तरफ चलते हैं, और ये देखिए मेरे बोगनविलिया जो कि एक छोटे छोटे से पॉट में लगे हुए हैं, इनमें मैंने प्रूनिंग कर दिया था और अभी भी मैं इन पर थोड़ा थोड़ा प्रूनिंग कर दूंगा। और
इसमें अगर प्रूनिंग की जाए तो ये बहुत अच्छा चलते हैं। और इसमें खाद वगैरह 15 दिन में 20 दिन में आप अगर खाद वगैरह देते रहेंगे तो ये बहुत अच्छा ब्लूमिंग करेगा। देखिए कितना छोटा सा पॉट में लगा हुआ है और इसकी ब्लूमिंग देखिए, और भी ब्लूमिंग हुई थी लेकिन ये थोड़ा कम हो गया है, झड़ने लगे हैं। और ये सारे फूल झड़ने के बाद मैं इन पर प्रूनिंग कर दूँगा दोबारा फ्लावरिंग के लिए। और इसमें ज़्यादा पानी देंगे तो इसी पत्ते डेवलप करता रहेगा, फ्लावरिंग नहीं होगा इसमें, इसकी यही दिक्कतें होती हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, जय जगन्नाथ।